गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयावती मोदी पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6, सर्वनाम परिचय। बच्चों, जैसा कि आप हिंदी में सर्वनाम पढ़ चुके हो, इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ चुके हो, वैसे ही संस्कृत में भी सर्वनाम होते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे हिंदी में वह, यह, तुम, मैं, हम, क्या आदि सर्वनाम होते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी कुछ सर्वनाम होते हैं। अब हम जानेंगे कि संस्कृत में इन सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं तथा इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख सर्वनाम निम्नलिखित हैं, तत्, वह, एतत्, यह, इदम्, यह, युष्मत्, तुम, अस्मत्, मैं, किम, क्या। उपयुक्त सर्वनामों के प्रथमा विभक्ति के रूप इस प्रकार हैं, तत्, वह, पुल्लिंग, एकवचन, सह, वह, तौ, वेदो, ते, वे सब, स्त्रीलिंग, सा, वह, ते, वेदो, तह, वे सब, नपुंसकलिंग, तत्, वह, ते, वेदो, तानि, वे सब। यहाँ हमने देखा तत्, वह, इसको तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में कैसे प्रयोग किया जाता है। एतत्, यह, एतत् को तीनों वचनों और तीनों लिंगों में कैसे प्रयोग किया जाता है, आइए पढ़ते हैं। पुल्लिंग, एष है, यह, एतौ, ये दो, एते, ये सब, स्त्रीलिंग, एषा, यह, एते, ये दो, एतः, ये सब, नपुंसकलिंग, एतत्, यह, एते, ये दो, एतानि, ये सब, इदम्, इदम्, यह, इसको भी हम देखेंगे तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में कैसे प्रयोग किया जाता है। अयम्, यह, इमौ, ये दो, इमे, ये सब, स्त्रीलिंग, इयम्, यह, इमे, ये दो, इमाः, ये सब, नपुंसकलिंग, इदम्, यह, इमे, ये दो, इमानी, ये सब, किम, किम, क्या। जब हमें कोई प्रश्न करना होता है तो हम क्या का प्रयोग करते हैं, उसको संस्कृत में किम कहते हैं। तो किम को देखते हैं तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में कैसे प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग, कह, कौन, कौ, कौन दो, के, कौन सब, स्त्रीलिंग, का, कौन, के, कौन दो, कहा, कौन सब, नपुंसकलिंग, किम, क्या, के, क्या दो, कानी, क्या सब, युष्मद, युष्मद होता है तुम। इसको बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये सभी लिंगों में एक समान चलता है। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा क्या, यह, वह, यानी कि तत्, एतत्, इदम्, किम, इनको तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में ये अलग अलग प्रयोग किया गया था, लेकिन युष्मद् सभी लिंगों में एक जैसा ही चलता है। आइए देखते हैं। एकवचन में त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, युयम, तुम सब, अस्मद्, मैं, यह भी तीनों लिंगों में एक जैसा ही चलता है। अहम, मैं, अवाम, हम दो, वयम, हम सब। यहाँ कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे कि तत् सर्वनाम का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। एतत् तथा इदम् सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। इस चैप्टर में बच्चों हमने सर्वनाम पढ़े हैं और सारे सर्वनाम
तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाता है उनको पढ़ा है। ओके, थैंक यू।